तो अभी हम 15 का भाग देना सीखेंगे। किसका? 15 का। किस में देना है? जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 2, 0, 6। अब देखिए, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे भाग देते समय, एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम तुलना करेंगे, दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना करो। कहाँ से करना है? आपके बाएं हाथ से, ठीक है, यानी इसके पास की संख्या से ही तुलना करना होता है। क्या देखना है? क्या ये 15 से बड़ी है? यस। 15 का टेबल कितनी बार लें कि 20 से बढ़ाना है? तो 15 का टेबल जैसे मैं लेता हूँ, एक बार कितना आता है 15, तो भाग गया एक बार कितना आ गया 15, फिर हमने इसको घटा दिया कितना आ गया 5, ऊपर से एक अंक मैं यहाँ नीचे ले आता। अब जैसे 15 का टेबल मैं लेता हूँ, 3 बार कितना आ जाता है 45, जो कि इससे बड़ा नहीं है। कितनी बार लिया हमने टेबल? 3 बार, तो भाग गया 3 बार कितना आ गया 45, फिर हमने इसको घटा दिया कितना गया एक एक। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या है क्या वो 15 से छोटी है? यस। इसका मतलब हमने भाग सही किया है। तो ये आपका क्या कहलाता है? भागफल। और ये जो आपका आया है 11, ये क्या कहलाता है? शेषफल। तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। या आगे डिवाइड करना रहता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं और इसके साथ जीरो लिख देते हैं। इस प्रकार से आप अपना पॉइंट वाला भाग भी कर सकते हैं।